हमने लास्ट लेक्चर में जाना था, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, बाकी जितने भी क्वेश्चंस वो आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि हम लोग उस चैप्टर में उन टॉपिक्स के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। और वो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद से करना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं उसके बारे में वो क्वेश्चन है, तो मैं उनका आंसर देना उचित नहीं समझता। सबसे पहले आप लोगों को खुद उनका आंसर देना होगा, और आप आंसर बनाने के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करते हैं, और हमारा पहला उसके अंदर टॉपिक आता है वेलम। वेलम एक छोटी लकड़ी की बनी हुई बोट होती है जो मोस्टली केरला में यूज की जाती है। केरला में बच्चे जब पानी बीच में काफी जगह पे आप लोगों को बैक वाटर मिलेगा, तो आप लोग देखेंगे बीच में वो रिवर को क्रॉस करने के लिए या फिर सी पार्ट के जो बैक वाटर बोला जाता है उसको क्रॉस करने के लिए वो वेलम का यूज करते हैं। वेलम इज ए स्मॉल वुडन बोट, मैंने यहाँ पे बना के भी दिखाई है, बच्चे इस वेलम का यूज करते हुए स्कूल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, इसके बाद हम लोग देखें तो कैमल कार्ट मोस्टली आपके राजस्थान में यूज होता है, जिसको हम लोग अपने एरिया में ऊंट गाड़ी भी बोलते हैं। कैमल मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, यहाँ पे एक पर्सन उसको चला रहा है और पीछे बच्चे बैठे हुए हैं और वो अपने स्कूल तक जा रहे होते हैं। इसमें रस्सी की हेल्प से वो उसको कंट्रोल करता है कि कैमल कैसे मूव करेगा। इसमें पीछे वुडन का बना हुआ एक कार्ट लगा होता है, तो इसको बोलते हैं कैमल कार्ट, और इसमें नीचे पहिए लगे होते हैं, पहिए आगे खींचने का काम कौन करता है इस कार्ट को, आपका कैमल, ठीक है। तो इस तरीके से राजस्थान में बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका बुल कार्ट, जिसको बैलगाड़ी भी बोलते हैं। आगे दो बैल बंधे होते हैं, दो बैल के साथ रस्सी एक लकड़ी का ऐसा फ्रेम बनाया जाता है जो इस कार्ट को आगे उनके साथ कनेक्ट कर देता है, उनके साथ जोड़ देता है। जैसे जैसे बैल आगे बढ़ेंगे आपका कार्ट भी आगे मूव करेगा, क्योंकि इसमें नीचे पहिए लगे हुए होते हैं। तो इसमें भी एक पर्सन इसको चला रहा है और बच्चे बैठ के स्कूल जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बुल कार्ट, ये हो गया कैमल कार्ट और ये हो गया वेलम। इन तीनों के बारे में हम लोग जान गए हैं। तो वेलम के बारे में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन हैव यू सीन एनी काइंड ऑफ बोट, तो ये आंसर आपको देना होगा, क्या आपने किसी बोट को देखा है, और देखा है तो वो दिखने में कैसी थी, आप उसका डायग्राम बना सकते हैं, और कहां पे देखा है वो भी आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कैन यू थिंक अदर टू अदर वेज विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर, हम लोग दो और कोई अलग रास्ते, कोई और दो ऑप्शन हमारे पास जो आपके माइंड में आ रहे हो कि हम इस तरीके से भी पानी को क्रॉस कर सकते हैं, तो वो आपको लिखने हैं, तो वो आपके माइंड की समझ है, आप खुद से उसको करेंगे, अपने परिजनों का सहयोग ले सकते हैं इस चीज को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट वन है बाइसिकल राइड। बाइसिकल राइड में आपका जो उसमें पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है कि पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन आजकल आप लोगों को गांव में दिख जाता है कि चार पांच या छह सात लड़कियों का ग्रुप साइकिल लेके किसी भी जगह स्कूलों में जा रहा होता है। तो ये वाला बाइसिकल एक डिफिकल्ट रोड पे ट्रेवल करने का एक इजी वे है, कि डिफिकल्ट रोड जहां पे गाड़ियां सही से नहीं जा सकती, पक्के रोड नहीं बने हुए, तो वहां पे साइकिल से कच्चे जो रास्ते होते हैं उनके ऊपर भी साइकिल से आराम से जाया जा सकता है। नेक्स्ट हमने दिखाया हुआ है इसमें जुगाड़। जुगाड़ के लिए जैसे आप लोगों को पता है आपका इंडिया फेमस है जुगाड़ के लिए, तो इसमें क्या होता है कि एक डायग्राम आपकी बुक में दिखाया हुआ है, बाइक का आधा पार्ट जोड़ा हुआ है एक कार्ट के साथ, जिसको मिला के बनाया जुगाड़। पीछे वाला पार्ट लकड़ी का बना होता है और नीचे उसमें पहिए लगाए जाते हैं। ऐसे ही आधी बाइक यहाँ पे यूज की हुई है, तो बाइक का इंजन स्टार्ट होता है, बाइक चलती है तो साथ में ये भी खिंचता हुआ चलता है, और इसको कंबाइनली बोलते हैं क्या, जुगाड़। इस टाइप का जुगाड़ नॉर्मली आप लोगों को गुजरात में देखने को मिल जाता है। राजस्थान में जिस तरीके के जुगाड़ आपको देखने को मिलेंगे उसमें वो एक इंजन लगा देते हैं, वो इंजन से ये चीज ट्रेवल करती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गन्ने का जूस बेचने वाले आपके गांव में आते हैं, वो एक गाड़ी के साथ चलते आते हैं जिसमें गन्ने का जूस भी निकाल देते हैं, वो गाड़ी चलती भी है, उसको भी जुगाड़ बोलते हैं। लेकिन इस टाइप के जिसमें बाइक आगे लगी होती है, इस टाइप के जुगाड़ आपको गुजरात में देखने को मिलते हैं, इससे भी कुछ जगह पे बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट आपकी पिक्चर में दिखाया हुआ है चिल्ड्रन क्रॉसिंग द जंगल। जंगल के अंदर कई बार पैदल चल के उनको जाना पड़ता है, कई जगह ऐसे जंगल होते हैं जिसमें रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही होती, धूप भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती, इतने घने जंगल होते हैं, तो उन जंगल को क्रॉस करने के लिए बच्चे पैदल चल के जा रहे होते हैं स्कूलों तक। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, ये है मूविंग ऑन द स्नो। कई ऐसे बर्फीले इलाके हैं
जैसे लेह लद्दाख भी उसमें शामिल कर सकते हैं, सियाचिन भी शामिल कर सकते हैं, और भी काफी ऐसे इलाके हैं जिसमें स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है, तो वो जब बर्फ गिर जाती है तो वो बाद में जब वो उनको स्कूल जाना होता है तो रास्ते में बर्फ होती है, तो उस बर्फ के ऊपर से भी उनको पैदल चल के स्कूल जाना होता है। तो ये भी एक मोड है जिस तरीके से वो ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट है रॉकी पास। रॉकी पास पथरीली जो पास होते हैं, पत्थरों की हेल्प से जो रास्ते बना दिए जाए, जैसे पहाड़ी इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए कई जगह पे रोड नहीं बने होते हैं, या फिर कई जगह पे बार बार रोड बनाने के बाद भी वो टूट जाते हैं, तो वहां पे आपके कच्चे रास्ते बनाए जाते हैं जिन पे छोटे छोटे पत्थर रखे होते हैं, तो वो पत्थरों की वजह से बच्चों को वहां से भी पैदल ही निकलना होता है। तो ये सभी आपके क्या हो गए, वो तरीके जिन तरीके से पूरे अपने इंडिया में बच्चे स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाना सबसे जरूरी है, स्कूल डेली जाना चाहिए, और स्कूल के अंदर आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलता है, पढ़ लिख कर आप कुछ ना कुछ बनेंगे जो भी आप सोच के रहते हैं। तो आप लोगों को डेली स्कूल जाना है और ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। चैप्टर के हर टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है, तो उनका आंसर भी आप ही करेंगे, और अपनी एक नोटबुक बना लीजिए आज से ही, और उसमें सभी क्वेश्चन आंसर्स नंबर वाइज आप लिखते आइएगा। जब आप स्कूल आएंगे लॉकडाउन के बाद, तब हम आपके क्वेश्चन आंसर चेक करेंगे और सभी बढ़िया राइटिंग के अंदर सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। थैंक यू।